कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना। श्री पराशर जी बोले, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर धेनुक और पलंब आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालीय नाग का दमन, दो विशाल वृक्षों को उखाड़ना, पूतनावध सशकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वो सब वृत्तांत क्रमशः सुना दिया। देवदर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी निंदा की और ये कार्य विचारने लगा। ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवावस्था प्राप्त होने पर तो ये अजेय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीरशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक जैसे मल्ल हैं, मैं इनके साथ मल्लयुद्ध कराकर इन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनुर्यज्ञ के मिस से व्रज से बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं श्वफल के पुत्र यादव श्रेष्ठ शुरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा, साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केशी को भी आज्ञा दूंगा जिससे वो महाबली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट कर देगा, अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वसुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवलियाड पीढ़ हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला, हे दानपते, मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहां से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए, वहां वसुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न दो पुत्र हैं। मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए वे दुष्ट बालक वहां पोषित हो रहे हैं। मेरे यहां चतुर्दशी को धनुष यज्ञ होने वाला है, अतः आप वहां जाकर उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल युग्म युद्ध में अति कुशल हैं। उन धनुर्यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का द्वंद युद्ध यहां सब लोग देखें, अथवा महावत से प्रेरित हुआ कुवलियाड पीड नामक गजराज इन दोनों दुष्ट वसुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, नंदगोप और इस अपने मंदमति पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदनंतर मेरे वध की इच्छा वाले समस्त दुष्ट गोपों के संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, अतः मैं क्रमशः इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्विघ्नता पूर्वक भोगूंगा, अतः हे वीर, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें जिससे वे माहिष्य भैंस के धृत और दधि आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहां आ जाएं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, कंस से ऐसी आज्ञा पा, महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही कृष्णचंद्र को देखूंगा। ये सोचकर अति प्रसन्न हुए। माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहकर एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरापुरी से बाहर निकल आए।